हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल फ्यूजन। और आज हमारे पास आया है ओप्पो का पैड। तो ये है बॉक्स एंड इसकी प्राइस रेंज तो आपको मालूम ही होगी, 15 से 20 हज़ार के बीच में है ये पैड। एंड अब हम इसे खोलते हैं। खुल गया है, बस खुल गया है और खुल गया है। तो ये है ऐसा कुछ। अब इसको हम खोलते हैं, निकालते हैं। तो ये है कुछ पुस्तकें शायद। यस यस, मेमोरी कार्ड इजेक्टर टूल, बिकॉज सिम नहीं है तो मेमोरी कार्ड इजेक्टर टूल। यानी कुछ पुस्तकें, क्विक गाइड्स, सेफ्टी गाइड्स जो है हम कभी नहीं पढ़ते। एंड ये है इसका चार्जर, आई थिंक 33 वॉट है कि 18 वॉट है, कुछ ऐसे ही है, इतना नहीं मालूम। एंड ये है टाइप सी इसका चार्जर। एंड ये है हमारा पैड। टेन इंच का ये है इसका कैमरा, 8 मेगापिक्सल। एंड ये आई थिंक 5 मेगापिक्सल है। अब इसे ओपन करते हैं। एंड वैसे ये है डॉल्बी एटमोस का दो स्पीकर। ये इसका पावर बटन, इसके वॉल्यूम बटन्स। यहाँ से आई थिंक सिम निकलेगा, नो ओ इधर से ही है। ये आई थिंक इसके माइक्स होंगे। एंड यहाँ से ये चार्जिंग पोर्ट एंड दो और डॉल्बी एटमोस के। एंड ये पूरा प्लेन है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट्स तो लग गए हैं। तो हमारा ओप्पो पैड एयर लॉग इन हो चुका है। सारी सेटिंग्स इसकी कर दी है हम लोगों ने। पासवर्ड चोरी मत करना मेरा। एंड ये है इसकी स्क्रीन कलर ओएस के साथ है ये पूरा। इसके अबाउट्स में जाके हम लोग देखते हैं। तो हम इसके अबाउट्स में जाके इसका ओएस देखते हैं। अबाउट डिवाइस ये देखो, प्रोसेसर है इसका Qualcomm Snapdragon 680 ऑक्टा कोर है। एंड इसका कलर ओएस वर्जन है 12.1। मुझे लगता है इसे करने से आना चाहिए था। एंड इसकी रैम है 4 GB। एंड इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 GB तक। एंड्रॉइड वर्जन ये है इसका, सॉरी पे करने से ये आ गया। हम इसको फिर चेक करते हैं आगे। एंड हम इसमें अपनी रैम भी बढ़ा सकते हैं। ये 4 GB है, इसको हम 2 GB कर सकते हैं, 3 GB भी तक बढ़ा सकते हैं। इसकी वर्चुअल रैम है, सो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, एक्सपेंडेबल है। एंड इसकी बैटरी देखते हैं। बैटरी है इसकी, तो इसकी बैटरी जो है वो 7000 mAh है। एंड इसका जो स्क्रीन है वो 30 FPS तक देता है। एंड 60 Hz इसका है स्क्रीन रेट। सो अब देखते हैं कुछ इसके टेस्ट्स, जैसे कुछ वीडियोस चलाते हैं। स्किल्स फ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। एंड चलो वीडियो प्ले करते हैं। लाइक कर देना गाइस, बेल आइकन को दबा देना। और तुम मत करना, पूरा एड्स देखना। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I go. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.
easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I could. तो हमने इसमें कुछ गेम टेस्ट करके भी देखे गए जो कि एसफोल्ड 9 के हैं एंड बहुत ही अच्छा गेम चला हमारा एंड हम लोगों ने स्पीकर पे खेला क्योंकि इसमें ईयरफोन जैक नहीं है एंड दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस यू कैन सी। तो इसकी स्क्रीन साइज है 10.3 इंचेस गाइस एंड दैट्स इट फॉर दिस अनबॉक्सिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्किफ यूजिंग गाइस आल्सो टर्न ऑन द बेल आइकन थैंक यू।